आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी इन टेस्ट क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 10। पहले वाले में हम लोगों ने किए थे पेज नंबर 9 के इन टेस्ट क्वेश्चन, मैटर नंबर सराउंडिंग्स, क्लास 9th फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं, जितने भी पेज नंबर 10 के अंदर क्वेश्चन होंगे और यही हमारा लास्ट वीडियो रहेगा मैटर नंबर सराउंडिंग्स का, इन टेस्ट क्वेश्चन का, क्योंकि अभी तक जितने भी इन टेस्ट क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए और उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। होप आप उन सभी क्वेश्चन को समझ चुके होंगे और याद हो गए होंगे। अब इन क्वेश्चन की बारे में इनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि व्हाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल वेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। जो डेजर्ट कूलर होते हैं वो बहुत ठंडक प्रदान करते हैं, मतलब ठंडा कर देते हैं हम लोगों को, जब हॉट ड्राई डे होता है, बहुत ही सूखा दिन होता है, तब जो डेजर्ट कूलर होते हैं वो अच्छे से काम करते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट इज़ बिकॉज इवापोरेशन, और इसके पीछे का जो रीजन है वो है इवापोरेशन, क्योंकि इवापोरेशन टेक प्लेस फास्टर ऑन अ हॉट ड्राई डे विच कॉजेस कूलिंग। सीधा साधा आंसर है, क्योंकि हॉट ड्राई डे में इवापोरेशन जो काम करता है वो बहुत फास्टर काम करता है, इवापोरेशन बहुत जल्दी होता है, इसी के कारण हम लोगों को कूलिंग प्रदान करता है अच्छे तरीके से ऑन हॉट ड्राई डे। होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे, क्योंकि हॉट ड्राई डे होगा तो इवापोरेशन जाना होगा, इवापोरेशन जाना होगा तो डेजर्ट कूलर कूल अच्छा करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर। गांव में हम लोग मटका यूज करते हैं और उसमें पानी ठंडा हो जाता है, क्यों हो जाता है गर्मियों में ठंडा पानी, और इसका रीजन क्या रहेगा? इट इज़ ड्यू टू इवापोरेशन ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थन पॉट विच कॉजेस कूलिंग। ये इसका कारण होता है, क्योंकि जो वाटर होता है, इवापोरेशन ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थन पॉट, जो वाटर लगा होता है सरफेस पे पॉट के, बर्तन के जो हमारा वो होता है घड़ा, जो उसमें वाटर होता है सरफेस पे, वो इवापोरेट हो जाता है। मतलब कोई भी हम लोगों को वाटर है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई वाटर है और कुछ मॉलिक्यूल हैं जिनके पास थोड़ी सी हीट आई, और जैसे हीट आएगी तो वो इवापोरेट हो जाएंगे और ठंडे वाले पार्टिकल नीचे बने रहेंगे, और जब गर्म वाले पार्टिकल ऊपर उठकर चले गए और ठंडे वाले नीचे बने रहेंगे तो सारे पार्टिकल ठंडे ठंडे वाले रह जाएंगे, और जैसे ठंडे ठंडे वाले रह जाएंगे तो पानी ठंडा हो जाएगा। समझ में आया? तो यही कह रहा है कि इट इज़ ड्यू टू इवापोरेशन ऑफ वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थन पॉट विच कॉजेस कूलिंग, जिसके कारण कूलिंग होती है। अर्थन पॉट इज पोरस, और जो अर्थन पॉट होता है, मटका होता है, उसके अंदर पोरस का मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसके कारण पानी बाहर आ जाता है, जो इवापोरेट होता है वो बाहर आ जाता है, देयर फॉर वाटर कम्स इन द सरफेस, उसी कारण सरफेस पे पानी आ जाता है। होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाई डज अवर पाम, मतलब हथेली, फील्स कोल्ड, हमको ठंडक महसूस होती है, व्हेन वी पुट, जब हम लोग रखते हैं सम एसीटोन को रखते हैं, पेट्रोल को रखते हैं या परफ्यूम रखते हैं, एसीटोन जो नाखूनी होती है उसी को हम लोग समझ सकते हैं। वो तभी आप देखेंगे जब लड़कियां लोग नाखूने ले आते हैं तो वो ढक्कन को बंद कर लेती हैं जिससे कि वह उड़े ना। व्हाई डज अवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। एसीटोन पेट्रोल परफ्यूम आर वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब होता है जो खोले में रख दें, अगर इन्वायरमेंट में रख दें तो उड़ जाए, पूरा उड़ जाता है, वेपराइज हो जाता है, जो वोलेटाइल, और उसमें आग बहुत जल्दी पकड़ती है, वोलेटाइल लिक्विड्स में, परफ्यूम में आग बहुत जल्दी पकड़ती है, एसीटोन है आग बहुत जल्दी पकड़ती है, पेट्रोल है आग बहुत जल्दी पकड़ती है। एसीटोन पेट्रोल आर परफ्यूम आर वोलेटाइल लिक्विड्स, दे आर इजिली वेपराइज, और यह बहुत जल्दी वेपराइज हो जाते हैं क्योंकि ये वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, और जैसे ही वेपराइज होते हैं तो जब हम लोगों ने पेट्रोल को डाला तो वह क्या करेगा, जो हमारी गर्म वाली मॉलिक्यूल है, हॉट मॉलिक्यूल है हमारी हथेली पे, वह एब्जॉर्ब कर लेगा पेट्रोल, और एब्जॉर्ब करके उड़ जाएगा, तो हमारा जो ठंडा वाला पार्टिकल है वो हाथ पे रह जाएगा, जैसे ठंडा वाला रह जाएगा तो हमको ठंडक महसूस होगी। वही बता रहा है कि दे एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम अवर पाम एंड कॉज कूलिंग, हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं हथेली से, और इसी के कारण हम लोगों को कूल लगता है, कूल ठंडा ठंडा कूल। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। व्हाई आर बी एबल टू सिप, हम लोग मतलब हमारे अंदर एबिलिटी होती सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सासर रेदर देन अ कप। आपको चाय एक कप में दी गई है और एक जो बड़ा बर्तन है जिसमें हम लोग चाय को डालते हैं सॉसर, उसमें दी गई है, तो आप कप में जल्दी नहीं पी पाएंगे बट सॉसर में पी लेंगे, यही पूछा गया है भैया।
तो इसका आंसर हो जाता है इट इज़ डन सो एज टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया। अब बड़े में डाला है तो सर्फेस एरिया इंक्रीज होगा, सही सी बात है। तो इंक्रीज द सर्फेस एरिया ग्रेटर द सर्फेस एरिया फर्स्ट विल बी द कूलिंग अदरवाइज अवर लिप्स गेट्स बर्न्ड। अब जितना ज़्यादा बड़ा बर्तन होगा उतनी जल्दी कूलिंग होगी, और जितनी जल्दी कूलिंग होगी उतनी जल्दी चाहे हम लोग ख़त्म कर देंगे, पी लेंगे, और यही इसका कारण है। और कुछ इसमें दिया नहीं, क्यों टू इसका डायरेक्ट आंसर आप एक वर्ड में लिखेंगे टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड बी वियर इन द समर, हम लोगों को किस प्रकार के कपड़े गर्मी में पहनने चाहिए। अब ये भी कोई बताने वाली चीज़ है, हम लोगों को कपड़े हल्के पहनने चाहिए, एकदम हल्के। वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ ड्यूरिंग समर, हम लोग कॉटन क्लॉथ पहनने चाहिए समर में, बिकॉज कॉटन इज़ गुड एब्जॉर्बर, क्योंकि कॉटन गुड एब्जॉर्बर होता है वाटर का। अब आप कॉटन को, रुई को लें या कॉटन के कपड़े को लें, पानी में डालें तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा एंड हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट, और क्योंकि स्वेट भी एक प्रकार का पानी होता है तो वो उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है, और एक्सपोजिंग टू एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन, और एब्जॉर्ब करके वह इवेपोरेट कर देता है, एब्जॉर्ब करता है इवेपोरेट कर देता है एयर कैन पास थ्रू पोर्स ऑफ कॉटन फाइबर्स, और क्योंकि और जो एयर होती है वो कॉटन से पास हो जाती है इसीलिए इवेपोरेशन हो जाता है, एयर आई कॉटन में गई और उसको इवेपोरेट करके ले गई। तो यही इसका क्वेश्चन का आंसर है, क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि कॉटन एक गुड एब्जॉर्बर होता है वाटर का, और जैसे वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो वह क्या करेगा एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट कर देगा, क्योंकि एयर कैन पास थ्रू पोर्स ऑफ कॉटन फाइबर, जो कि ये वाली लाइन लिखी है। तो होप आपको यह सब कुछ समझ में आया होगा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे नंबर 6393993273 इसमें हम लोग को कॉल कर सकते हैं 6393993273, ये हमारा पर्सनल नंबर है, आप इस पर हमको बता सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट रहता है। और इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। आप कोड हमारा यूज़ करेंगे अनकेडमी की तरह, कोड नहीं है पासवर्ड है PDF का SGC, कैपिटल में डालेंगे SGC तुरंत PDF बढ़ा से ओपन हो जाएगी, आप सभी पढ़ सकते हैं वहीं पर जाकर, कोई भी स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, क्लास 9 का वीडियो लेकर आएंगे जल्दी।